नंदनियो आप हमें सुन पा रहे हैं, आपके मंदिर में शिवलिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए कितना परिवर्तन होता है। आप बेल पत्र चढ़ाइए, आपके आयुष उम्र को बढ़ाने के लिए प्रदोष वाले दिन लोटे में थोड़ा काला तिल डालकर फिर आप भगवान को निलाइए, आनंद हो जाएगा। सभी समस्याओं के समाधान के लिए जल के लोटे में एक बेल पत्र डालिए, फिर महादेव की पिंडी पर आप चढ़ाइए। आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो एक लोटा जल घर से लेके जाएं और एक लोटा जल मंदिर परिसर से भरे, दो लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ाएं। आप कहोगे ऐसा क्यों, घर से जो जल लेकर के जाओगे उससे पितर प्रसन्न होंगे और मंदिर परिसर से जो जल चढ़ाओगे उससे देवता प्रसन्न होंगे, ऐसा भी वर्णन किया गया है। क्योंकि मंदिर परिसर के हजार हाथ चौड़ाई में वहां का जल है वो शिव गंगा के रूप में होता है। टोंटी का जल, कुएं का जल, वहां का जो जल है वो साक्षात गंगा के रूप में है, उससे होंगे देव प्रसन्न। मैं तो ऐसा ही करता, घर से आप लेकर के जल लेके जाएंगे उससे पितर प्रसन्न होंगे, पुरखे प्रसन्न होंगे। ये भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। यह श्लोक एक बार फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा। यस्तु लिंगम पठे नित्य आख्यानम लिंग सन्निधौ षड्मासा शिव रूपो वही नात्र कार्य विचारणा। जिसने लग करके छह महीना शिवलिंग के पास बैठ करके कोई भी सदकर्म कर लिया है, भगवान महादेव उसने किसी न किसी रूप में अपना दर्शन जरूर दे देंगे, ऐसा शिव पुराण के अंतर्गत लेगा। इसलिए आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो शिव पिंडी के सानिध्य में कीजिए, आनंद हो जाएगा। स्वर्ण ऋषियों ने महात्मा सूर्य जी को पूछा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, समाधान मिल नहीं रहा, मेरे पास बड़ी भीड़ लगती है, इतनी लंबी लाइन होती है कि दो दो घंटे तक वो लाइन पूरी नहीं हो पाती। आपके प्रश्नों को मैं सुनता हूँ सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, फिर रात्रि में भी 9:15 बजे से 10:15 बजे तक खूब भीड़ होती है। और ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान ना होता हो, बहुत समाधान होता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, सुख मिलता है। तो वही ये समाधान है, सुन लीजिए। सूर्य महाराज ने स्वर्णक्षियों को पूछा, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखित है, पत्नी परेशान है, पति परेशान है, इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो उसका कुछ समाधान है क्या, बताइए। तब सूर्य कहने लगे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, सणु नारद बक्षामी संक्षेप लिंगम पूजनम, मैं संक्षेप में महादेव की पूजा की जिक्र तुमसे करता हूँ। भक्तुम वर्ष सतई नापी न सक्यम विस्तुरान मुरी, यदि कोई 100 वर्ष शिवलिंग का वर्णन करे तो उसकी महिमा को पूरा नहीं गा सकता, ऐसा ब्रह्मा जी बोलने लगे। ऐसा श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वो कहते हैं एवं तो संकरम रूपम सुखम स्वच्छम सनातनम, जो सुखी रहना चाहते हैं, सनातन धर्म से कभी विमुख न हो, वो महादेव की पूजा को आज ही स्वीकार कर ले, ये ब्रह्मा बोले। ये श्री विधाता ब्रह्मा जी के शब्द हैं, कहते हैं पूजित प्रिया भक्ता सर्व काम फल प्राप्त है। जीवन में ऐसी कोई समस्या बड़ी नहीं है जो भगवान शंकर की पूजा के ऊपर हो, भगवान शिव की पूजा करने से हर समस्या का समाधान तत्काल हो जाता है। क्या क्या होता है, दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम सत्र संभवम, यदि दुश्मन बढ़ गए हैं तो महादेव की पूजा आज से आरंभ कर दीजिए। कोई दूसरा पीड़ा दे रहा है, कोई पत्नी के द्वारा परेशान, कोई पति के द्वारा परेशान, कोई बहू के द्वारा, कोई सास के द्वारा, कोई पड़ोसी के द्वारा, कोई मित्रों के द्वारा, कोई रिश्तेदारों के द्वारा, यदि कोई राजा के द्वारा या कोई मालिक के द्वारा कोई पीड़ित हो रहा है, उसे भगवान शिव की पूजा, भगवान शंकर का शिवलिंग काले रंग का हो सांवले रंग का, तो पराई दी गई पीड़ा से तत्काल मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। किसी को रोग बड़ा है, दवाई सूट नहीं कर रही है, सांवले रंग के शिवलिंग तत्काल फायदा देंगे। जिनको घोर गरीबी है, दरिद्रता है, परेशानी है, शहद जैसे शिवलिंग का पूजन करने से घोर दरिद्रता का नाश होता है। दारिद्रम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावत दमन्नाच्यते शिवम, कोई अनजान में इतना बड़ा अपराध हुआ है वह भी भगवान शंकर की पूजा से वह अपराध भी समाप्त हो जाता है। ये भगवान शंकर की पूजा